नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा सहित सिवपुर तहसील के अधिकांश गांवों में चने की फसल पीली होने के साथ ही सूखने लगी है। लगभग 20 से 25 एकड़ फसल खराब हुई है। खड़ी फसलों पर किसान अब ट्रैक्टर चलाकर खेत को खाली करने लगे हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि इस साल बारिश होने से चने की फसल पीली पड़ी फिर सूख गई। इसके बाद फसलों को के ऊपर खासा नुकसान हुआ है। अब ट्रैक्टर चलाकर खेत की खाली कर रहे हैं। खाली करने के बाद अगली फसल के लिए खेतों को तैयार किए जाएंगे। सिवपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंडकला हमीदपुर सहित अन्य ग्रामों में कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा ने कृषि विभाग के अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के साथ दल खेतों में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चने की फसल में फफूंद रोग लग गया है। ये चने की फसल है, ये खराब हो चुकी है। मेरा नाम राजेश यादव, ग्राम कुंडकला। तो अब क्या करेंगे? अब आगे अगली फसल के लिए मतलब मूंग की तैयारी करें। अभी तो चने खराब हो गए। हमको कुछ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए या कुछ राहत राशि दी जाए, कुछ भी मतलब इसका निराकरण किया जाए। बीमा कटता है, फसल बीमा काटते हैं, फसल बीमा बीमा कंपनी से मतलब निवेदन है कि कुछ राशि दी जाए। चने की फसल पीली पड़ रही है, क्या कारण, क्या निवेदन? मौके पे जैसा हमने देखा, इसमें राइजोक्टोनिया रूट रॉट और कई तरह के फफूंद, मिट्टी जनित फफूंद लगे हुए हैं। तो अभी इस स्टेज में तात्कालिक तौर पे इसमें काफ़ी कुछ, इसमें जो इसको उगरा या उकठा किसान अपनी भाषा में बोलते हैं, वैसे लक्षण दिख रहे हैं। पौधा आसानी से उखड़ जा रहा है और ये मिट्टी जनित, कुल मिला के मिट्टी जनित फफूंद हैं। कई तरह के फफूंद इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस स्टेज में किसानों को कोई भी हम सलाह देते हैं कि इसमें कोई दवा छिड़काव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये फसल फिर से रिवर्स होके ग्रीन नहीं हो पाएगी और ना ही उससे फायदा होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है तात्कालिक तौर पे कि इसको, इसमें कोई दवा न डालें और इसका परमानेंट निदान हम किसानों को बता रहे हैं कि गर्मी की जुताई अवश्य करें। गर्मी की जुताई करने के बाद उसमें हरी खाद बोएं, सन या ढांचा जो भी मिल जाए, मात्रा 25 से 30 केजी प्रति एकड़ की दर से हरी खाद बोएं। जब वो लगभग एक फीट की हरी खाद हो जाए सन या ढांचा, उसको मिट्टी पलट हल से, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से पलट दें, ठीक है। और पलटने के बाद उसमें पानी लगाते हैं सड़ने के लिए। तो पानी लगे हुए खेत में ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करना है गोबर की खाद में मिला के। एक एकड़ के लिए 3 केजी के आसपास ट्राइकोडर्मा पर्याप्त होता है एक एकड़ में। तो उसको गोबर की खाद में मिक्स कर लें। मिक्स करने की विधि हम ऐसे बताते हैं कि कहीं छाए वाले स्थान में आप गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद रख के उस पर आप लगभग 3 केजी ट्राइकोडर्मा डाल दें हाथ से मिक्स करके और उसमें पानी छिड़काव कर दें। एक हफ्ते बाद ये जो वैल्यू एडेड आपका ट्राइकोडर्मा है ये खेत में डालने के लिए तैयार। तो इसी तैयार ट्राइकोडर्मा को आप खेत में डालेंगे। तो ये तीन अगर आप उपचार कर लेते हैं, गर्मी की जुताई, हरी खाद का प्रयोग और ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन, अगर ऐसा कर लेते हैं तो मिट्टी जनित जो भी समस्याएं हैं आगामी 2-3 साल तक आपकी काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो ये समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। आपको ये समस्या अभी मूंग में, इसमें चने में दिख रही है, ये समस्या आपको मूंग में भी दिखेगी, क्योंकि मिट्टी के जो फफूंद हैं, जो रोग के कीटाणु हैं, मिट्टी में ही हैं। आप सोचें कि इसको 1-2 साल हम 1 साल के लिए छोड़ दें तो भी इसके जो कीटाणु हैं वो मिट्टी में बने रहेंगे। इतने जल्दी हटने वाले हैं, 3-4 साल तक जीवित रहते हैं। तो इसका आपको ट्राइकोडर्मा एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। वो मित्र फफूंद मिट्टी में फैलेगा और जहाँ भी रोग के कीटाणु मिलेंगे अंदर अंदर जो है उसको खा जाएगा। कुछ अपने को आँख से नहीं दिखता, ये सब सूक्ष्मदर्शी से हम लोग लैब में देखते हैं, लेकिन आपको तात्कालिक फायदा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ बताना चाह रहे हैं।